नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम। इटारसी के फटाका बाजार में फटाके की बिक्री की धीमी गति है। यदि यही स्थिति रही तो दुकानदारों को इस वर्ष घाटे का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एक और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पूरे प्रदेश की जनता से अपील की है कि वह पटाखे न फोड़ें, क्योंकि कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल के दौर चल रहा है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति क्वारंटाइन अवस्था में है तो उसे हानि उठाना पड़ सकती है, क्योंकि जब पटाखे फोड़े जाएंगे तो उससे उत्पन्न होने वाले धुएं से क्वारंटाइन व्यक्ति को सांस लेने की तकलीफ होगी और उस व्यक्ति का कोरोना संक्रमण का लेवल बढ़ सकता है। बहरहाल पटाखा व्यवसाय में पटाखा बाजार में अपनी दुकानें पटाखों से सजा कर रखी हैं और बिक्री का इंतजार है, किंतु बिक्री की गति इन सब कारणों से धीमी बनी हुई है। इस वर्ष खरीदारों की ज्यादा डिमांड ग्रीन पटाखे हैं। इन पटाखों के उपयोग से प्रदूषण कम फैलता है। पटाखा बिक्री बाजार में नगर पालिका प्रशासन का अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपील की है पूरे प्रदेश के जनता से कि इस बार पटाखे ना छोड़ें एवं ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, क्योंकि इसका सीधा असर जो क्वारंटाइन हो रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, जो क्वारंटाइन हो रहे हैं, उनके स्वास्थ्य पर भी असर बुरा पड़ सकता है। इसी को देखते हुए इटारसी के पटाखा बाज़ार में बहुत अधिक धीमापन आया है और दुकानदारी बहुत धीमेपन से हो रही है। आज हमारे समय जगत चैनल में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए इटारसी के वरिष्ठ समाज सेवी श्री सुनील वाजपेयी जी उपस्थित हैं। वो हमें ये बताएंगे कि इस वर्ष पटाखों की दुकान इस नए स्थान पर परिवर्तित कर दी गई हैं, उससे क्या फ़ायदे होंगे। धन्यवाद जी। इस वर्ष हमारे जो नए SDM आए हैं भगवान सिंह जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी के द्वारा पटाखा बाजार जो हमेशा चर्चा के विषय में रहता था और जब भी त्यौहार आता था तो इसमें बहुत सी बातें विवाद उत्पन्न होते थे, लेकिन इस वर्ष फ्रेंड्स स्कूल मैदान में, जो कि एक बहुत बड़ा मैदान है, इसमें बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने दुकानों को यहाँ आवंटित किया है, लोगों की दुकानें लगी हुई हैं। साथ ही उनके द्वारा SDM साहब के द्वारा ये भी निर्देशित किया गया था कि सुरक्षा के कारणों को देखते हुए सभी लोग रोजगार रखें और फायर स्टिगनाइजर भी रखें, तो कुछ दुकानों पर तो मुझे दिख रहा है कि फायर स्टिगनाइजर लगे हुए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवस्थित बाज़ार तो हो गया, लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण भी थोड़ी सी ग्राहकी कम है, तो दुकानदार सभी आज, जबकि कल दिवाली है और आज मैं देख रहा हूँ कि सब पे कोई भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, तो अब देखिए कल तक अगर कुछ परिवर्तन होगा काट लेंगे। हमारे समय जगत चैनल में पटाखे दुकानदार घनश्याम सैनी जी उपस्थित हैं, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष क्या पटाखों की दुकान में जो खरीदी है उसमें कमी आई है क्या। हाँ सर, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कम से कम 75% की कमी है, 75% की कमी। और हालत ये है कि आदमी अपनी छोटी पूंजी लगा के बैठा हुआ, मगर उसको कहीं से किसी प्रकार की भी राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। दो दिन हो गए, दो दिन में दुकानदारों का दो दो तीन तीन हज़ार का व्यवसाय नहीं, हालत बहुत ख़राब है जो है। तो देखिए आप कि वैसे ही कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और उस संक्रमण के साथ साथ जो दुकानदारी है वो हर प्रकार की दुकानदारी दीपावली में प्रभावित हो रही है, और जो पटाखे का व्यवसायी है, जो दुकानदार है, वो अपने लाखों रुपए लगाकर अपने पटाखों का सामान लेकर आता है और ये उम्मीद करता है कि उसकी दुकानदारी अच्छे से चले, लेकिन वो इस बार हिम्मत हार रहा है। उपस्थित हैं पंडित सुजीत तिवारी जी, जो है खरीदारी करने आए हैं पटाखों की। वो हमें ये बताना चाहेंगे कि वो किस प्रकार के पटाखों को महत्व देंगे खरीदने के लिए। मैं यहाँ पर अपने बच्चे के लिए पटाखे लेने आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कम प्रदूषण वाले पटाखे, प्रदूषण रहित हों, ऐसे पटाखे लूँ। ग्रीन पटाखों के बारे में मुझे जानकारी।
जानकारी मिली है, तो मैं ऐसा चाहूँगा कि ग्रीन पटाखे लें और जैसे कि प्रदूषण कम से कम हो। धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इटारसी पटाखा बाजार से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा, समय जगत के लिए। इटारसी से डॉक्टर प्रताप सिंह वर्मा की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.